का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। भारत से कश्मीर समेत तमाम तनाजात का हल बातचीत से चाहते हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह बयान जारी किया गया है। भारतीय वजीर आजम के बयान का मकसद मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना है, तर्जुमान की जानिब से यह भी कहा गया है। मोदी के बयान से साबित होता है कि भारत बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय वजीर आजम के बयान का मुशीर खारजा ने वजाहत से जवाब दिया है। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश भी किया है। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों का एतराफ किया है। कश्मीर आलमी सतह पर एक मुतनाज़ मसला तस्लीम किया जाता है, तर्जुमान की तरफ से ऐसा कहा गया है। कश्मीर पर अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं जिन पर अमल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तरे खारजा ने यह भी कहा कि करारदादों में कश्मीरियों को हक के खुदरादियत देने का वादा किया गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला हर आलमी फोरम पर उठाया और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने करारा जवाब दिया।